कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती, और जनाब आज तो सोशल मीडिया का जमाना है जहां पता ही नहीं चलता है कि कब क्या क्लिक हो जाए और चंद घंटों में टैलेंटेड लोगों की जिंदगी बदल जाए। सोशल मीडिया में अब लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। लोग पहले सोशल मीडिया का सहारा मनोरंजन के लिए लेते थे, लेकिन अब लोग अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों की मदद भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया ही था जिसने डब्बू अंकल के डांस को रातों रात वायरल कर उन्हें हीरो बना दिया। इसके बाद कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एक वृद्ध ढाबे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके दिन बदल गए। इसके बाद अब आगरा में रोटी वाली अम्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको देखते हुए आगरा की एक समाज सेवी संस्था ने अम्मा को खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा व बर्तन व एक रेडी देकर उनकी मदद की है। और अब अम्मा की रोटी ऐसी चल रही है कि उनकी छोटी सी दुकान पर रोजाना सैकड़ों ग्राहक आ रहे हैं। दरअसल आगरा में कमला नगर के कांजी बड़े वाले बाबा के बाद अब रोटी वाली अम्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आगरा कॉलेज ग्राउंड के बाहर फुटपाथ पर बैठी 80 वर्षीय भगवान देवी पिछले 15 सालों से 20 रुपए में भर पेट खाना खिला रही हैं। अम्मा के यहाँ गरीब रिक्शे वाले, ठेले वाले या राहगीर खाना खाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से अम्मा का रोजगार पूरी तरह से ठप पड़ गया था। अम्मा एक एक पैसे को मोहताज हो गई थी, लेकिन आगरा की रोटी वाली अम्मा का वीडियो किसी ने फेसबुक पर वायरल कर दिया, जिसके बाद अम्मा के पास सैकड़ों लोग उनकी मदद करने को पहुंचने लगे हैं। भगवान देवी का कहना है कि संस्था ने अम्मा के लिए बहुत कुछ कर दिया है, जिससे अम्मा अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चला सकेंगी। अम्मा का ये भी कहना है कि अम्मा के पास ग्राहक अब इतने आने लगे हैं कि अम्मा अकेले सारा काम नहीं कर पा रही हैं। जी ठीक चल रहा है, आपका मजा ठीक चल रहा है। लॉकडाउन में दिक्कतें हुई आपके सामने? उम्र में इतना ज्यादा अपने आप को विल पावर अपना यूज कर रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें लगा कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और थोड़ा एक अच्छा सेटअप उन्हें करके देना चाहिए। तो हमारी कंपनी ने अपनी CSR एक्टिविटी जो कि रोजर फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में होता है, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने अम्मा के लिए ये पूरा कार्ड सेटअप किया है। उसमें आप देखेंगे हमने लाइट, पंखा, गैस सारी चीज़ें अम्मा को इक्विप करके दी हैं, ताकि उन्हें आगे के टाइम पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो जिस तरह से एक समाज सेविका ने गरीब अम्मा की मदद की, अगर इसी तरह सरकार भी आत्मनिर्भर लोगों की मदद करे तो शायद समाज को एक नई दिशा मिलेगी। आगरा से दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट।